उज्जैन में भाजपा नेता और उनकी पत्नी की हत्या कर दी गई है। दोनों के शव मकान में मिले। घटना देवास रोड स्थित पिपलोदा गांव की है। शनिवार सुबह पुलिस मौके पर पहुंची। लूटपाट के बाद हत्या की आशंका है। दोनों दो दिन पहले ही पंजाब से लौटे थे। कटनी जिले के बड़वारा थाना क्षेत्र के विलायत कला गांव के बस स्टैंड के पास एक टी स्टॉल होटल के सिलेंडर में रिसाव के बाद लगी आग के कारण होटल में रखा दूसरा सिलेंडर बम की तरह ब्लास्ट हो गया। सिलेंडर के ब्लास्ट होने का वीडियो भी वायरल हो रहा है। मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट और राज्य मंत्रियों को अब तक बंगले नहीं मिल सके हैं। 13 मंत्रियों को बंगले तो आवंटित हो गए, लेकिन खाली होने की वजह से वे उनमें शिफ्ट नहीं हो पाए। गृह विभाग के आवंटन आदेश में पेच यह भी है कि बंगला रिक्त होने पर ही मंत्री उसमें रहने जा सकते हैं। भोपाल में मेट्रो के लिए 103 मीटर के दो स्टील ब्रिज बनेंगे। एक ब्रिज रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक के ऊपर से गुजरेगा। इसके लिए मेट्रो कॉरपोरेशन ने ब्लॉक के लिए रेलवे को लेटर लिखा है। मेट्रो अफसरों का कहना है कि उनकी पूरी तैयारी है, जैसे ही ब्लॉक मिलेगा काम शुरू कर देंगे। 3 से 4 घंटे में ब्रिज पिलर के ऊपर रख देंगे। राजस्थान के अलवर में ब्रिज बने हैं, ये दिल्ली मेट्रो जैसे डिजाइन किए गए हैं। बाल संप्रेक्षण गृह से 6 अपचारियों इनमें 4 हत्या के आरोपी के भागने की वीडियो सामने आए। इसमें साफ दिख रहा है कि एक साथ किस तरह प्री प्लान कर बाल अपचारी भागे हैं। एक अपचारी को गार्ड पकड़ते दिख रहा है।